नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने होठों को कैसे मुलायम रख सकते हैं। सुनने में बड़ा विचित्र लग रहा है कि ये हम अपने होठों को कैसे कोमल रखें, क्योंकि आजकल हम सभी लोग टेलीविज़न के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से उन पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमको सिर्फ यही लगता है कि जो टीवी पर दिखाया जा रहा है बस वही हम करेंगे तो ही हमको फ़ायदा लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे टीवी पे विज्ञापन आते हैं, वो बताते हैं कि इसको लगाएं, अपनी त्वचा को कोमल बनाएं, अपने होठों को फटने से बचाएं। इस तरह के काफ़ी सारे विज्ञापन हैं और कंपनी जो है वो लगातार ही इन सब चीज़ों पे विज्ञापन बनाती रहती है और इनके ही उत्पाद मार्केट में उपलब्ध भी हैं। मैं आपको बताऊँगा कि हम ये बाजारू उत्पाद जो हैं उसका उपयोग करके उस कंपनी का प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपको किसी ने बताया कि हम ये उत्पाद का उपयोग ना करने के बावजूद भी हम अपने होठों को कोमल बना सकते हैं? शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने बताया होगा। अगर नहीं बताया तो मैं आज आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठकर जब भी आप चाहें आपकी नाभि में सरसों का तेल लगाएं। सरसों का तेल की जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो गर्म है। सरसों का तेल लगाने से आपके शरीर में शुष्कता बनी रहती है, जिससे आपके होंठ मुलायम रहते हैं, आपकी त्वचा भी है जो फटने से बचाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम घरेलू उत्पाद ही उपयोग करके अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बना सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि हम बाज़ार से जो बाजारू उत्पाद हैं उनका कम से कम सेवन करें, क्योंकि बाजारू उत्पाद में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसका उपयोग करके वो चीज़ बनाई जाती है और उसका उपयोग करके हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी त्वचा जो है वो पुनः वापस अपने सही हो गई है। दोस्तों, आज मैं आपको यही कहूँगा कि जितना से ज़्यादा हम घरेलू चीज़ों का उपयोग करेंगे, क्योंकि घरेलू चीज़ें घर में ही उपयोग में लाई जाती हैं और घरेलू ही चीज़ों का उपयोग करके अगर हम अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की बाजार उत्पाद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर मेरे को आप पसंद करते हैं, मेरे चैनल को आप पसंद करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है कि इस तरीके की आपको बातें या आपको नुस्खे जो हैं वो मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ में लोगों को बताएं कि इस चैनल से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती हैं और आप लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप ये चैनल को लाइक करेंगे तो शायद आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोग बाजार उत्पाद का उपयोग करने से बच सकेंगे। धन्यवाद।